अदर कोई वक्त नहीं है, हम उनके लिए टिश्यू पेपर से भी बदतर हैसियत रखते हैं। वो ये कह रहे हैं जज के सामने खड़े होके अदालत में कि हम तो आफिया से मिल भी रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, पैराग्राफ लिखा हुआ है मैं पढ़ लूं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता था कि आफिया किस जेल में है। कह रहे थे कि वाशिंगटन डीसी में कहीं है, आफिया एफएमसी कार्सवेल में है जो कि टेक्सास में है। जिस वक्त जज साहब पूछ रहे थे दूसरे वकील से कि जनाब आप लोगों की क्या प्रोसीडिंग्स हैं, फॉरेन ऑफिस ने क्या रोल प्ले किया है, जिस वक्त वो बता रहा था, मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ जिस चीज का, वो अपनी इस माँ की बेबसी पे हुआ कि सर हिला रही थी कि सब झूठ बोल रहा है वहां पे। और जितना नॉन सीरियस एटीट्यूड इस गवर्नमेंट का है, एक बार आपके फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा आज से कुछ महीने पहले ये भी बोल चुका है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ना तो पाकिस्तान आएगी ना वो आना चाहती है। इतना पैथेटिक किस्म का, इस 16 साल आपने डॉक्टर आफिया के नाम पे खान साहब सियासत की है, और उस सियासत करने के बाद जब आप अपने इक्तदार में आए तो आपने एक मरतबा भी नाम तक नहीं लिया इस चीज़ पे। लिहाजा गवर्नमेंट को अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसे प्रूव करने के लिए अभी कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। वो बार बार पूछ रहे हैं आपके पास कोई प्रूफ है मुलाकात का, वो कहते हैं कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। खुद ही 4 साल के बाद अदालत को ख्याल आया कि ये केस है और वो बेटी वहाँ पे पड़ी हुई है। मुझे अफसोस इस बात का हुआ, अफसोस भी हुआ और एक तरह से मेरे ख्याल से अच्छा भी हुआ कि पूरी कौम ने ये देखा कि हमारी फॉरेन ऑफिस एक आम पाकिस्तानी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए एक आम पाकिस्तानी, पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की डिग्निटी ऑफ ऑनर की कोई कहाँ डीसी कहाँ टेक्सास। तो ये मेरे ख्याल से अवाम के लिए एक वेकअप कॉल है कि हमारे जो ये कारकंदे जो हमें जो कहते हैं कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, वो अपने अलावा किसी के नहीं। और मैं बहुत मशकूर हूँ इस कोर्ट की के और जज साहब की कि उन्होंने भी इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ये देखा कि ये इतने कैजुअल एक इंसान की ज़िंदगी और ये इंसान की नहीं पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार का मामला है और पाकिस्तान से ही अगवा किया गया है, एक शर्म का कलंक का टीका है और आपको कोई आपके माथे पे एक बल नहीं, आपकी आँख में एक आंसू नहीं, आपके दिल में एक जुम्बिश भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे जजों को जो अब भी कानून की पासदारी और इंसानियत को वो रखते हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और तौफीक दे कि वो ऑर्डर भी दें और उस पर इम्प्लीमेंट और अमल भी करवाए कि आफिया को फौरी से फौरी वापस लाया जाए। एक दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि 4 साल हो गए जब पिछली बार यहाँ पे केस लगा था ना और जज साहब ने जब ऑर्डर दिया था उस वक्त आफिया से बात कराई थी, उसके बाद 4 साल हो गए हमारी आफिया से कोई बात नहीं हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है और कोई मुलाकात नहीं हुई है। हमें ये नहीं पता, हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। उस जेल में जिसमें आफिया है उसमें कोविड फैला हुआ है, रैम्पेंट है, उसमें 600 प्रिजनर्स ने लॉ सूट्स फाइल किए हैं कि इस बुरी हाल से रखा हुआ है, दे आर ट्रीटेड वर्स देन डॉग्स। लेकिन हमारे जितने फॉरेनर्स थे उस जेल में, हर जेल में उनकी गवर्नमेंट्स ने उनको लेकर उनको क्वारंटीन अपनी एम्बेसीज में किया और आधों ने अपनी एम्बेसी से अपने मुल्क भेज दिया, लेकिन हमारे मुल्क ने ऐसा कुछ नहीं किया। शेयर करती ना, वो कहते हैं मुलाकात कर रहे हैं लेकिन उसके घर वालों को कुछ नहीं बता रहे, उसकी बीमार माँ को फोन करके कहते हैं माफिया को मिले, वो कहती है मुझे बात तो करा दो, कहते हैं कि वो हम करा देंगे। हमें क्या पता वो जिसको मिलने वो आफिया भी है या नहीं। हमारे पास तो वहाँ से लोग आए जो कह रहे हैं कि वो किसी और को सामने रख देते हैं, आफिया तो आफिया के साथ तो उसके दिमाग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो इतना जहीन दिमाग था वो MK Ultra होता है, उसके साथ तो ये इस तरह के टॉर्चर कर रहे हैं। हमें यहाँ तक इतलात दी है लोगों ने, बाकायदा पूरा प्रूफ के साथ दिए, लेकिन हम ऐसी चीज़ वो नहीं कह सकते जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट